हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ अंतिमा और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक किचन के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी टिप. मतलब मैं मटर स्टोर करती हूँ फॉर द होल ईयर. वैसे तो मिलते हैं लेकिन यस, मैं स्टोर करती हूँ क्योंकि मुझे ये वाले पसंद हैं. फ्रोजन मटर तो ऑफकोर्स मिलते हैं पर इनको कैसे फ्रोजन करके पूरे साल रखते हैं वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जैसे मैं करती हूँ. तो हमने मटर छीले हैं, जितने भी आपको चाहिए वो आप छील लीजिए. मैं आपको इतना ही कर रही हूँ. ये ऑलमोस्ट आधा किलो मटर होंगे तो आपको जितना चाहिए आप बॉईल करके और स्टोर कर सकते हैं. मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है. तो ये छिले हुए मटर हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और एक तरफ हमने इस तरीके से पानी बॉईल कर लिया. जैसा मैंने आपको कहा, थोड़े से मटर है तो मुझे इतने ही पानी की रिक्वायरमेंट थी. ये होगा ऑलमोस्ट 1 किलो से कम होगा, लेकिन 1 लीटर से सॉरी. और ये जब बॉईल हो जाएगा इसमें हम आधा चम्मच शुगर ऐड करेंगे. शुगर इसलिए ऐड करनी है ताकि हमारे जो मटर है उनकी मिठास बनी रहे. तो देखिए पानी बॉईल हो गया है, इसमें मैं अब शुगर ऐड कर रही हूँ 3/4 टेबल स्पून. बस जितने मटर हैं उसी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लेंगे. तो मेरे पास आधा किलो के लगभग मटर हैं तो ये थोड़ा सा और बॉईल हो जाए और शुगर डिजॉल्व हो जाए. और शुगर जो है वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है तो इसीलिए अब देखिए आप बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है. अब मैं एक बार फ्लेम को कम कर देती हूँ और हम इसमें अपने मटर को ऐड कर देते हैं. बड़े ध्यान से आप करिएगा. तो देखिए इजीली ये इसमें आ गए हैं मटर. और अब हम इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे. और अगेन मैं बोलूंगी कि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जितने मटर हैं 3 से 4, 1 किलो तक मटर आप 5 मिनट तक बस. इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बॉईल हमें नहीं करना है. पार बॉईल जिसे कहते हैं, बस उतना ही हमें करना है 3 से 4 मिनट के बीच में. और फिर हम इसे स्ट्रेन कर देंगे. बीच बीच में इसे थोड़ा सा हिलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 मिनट हो गए हैं. अब मैं एकदम फ्लेम ऑफ करके और इसको स्ट्रेन कर दूंगी. इससे ये भी होता है कि इसका जो कलर होता है मटर का वो भी मेंटेन रहता है, स्वीटनेस भी. और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बॉईल करने पे वो नहीं अच्छे से प्रिजर्व हो पाते हैं. तो अब हम इसे स्ट्रेन कर देंगे. तो अब मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ और इसके साथ साथ तुरंत हम ठंडा पानी इस पे ऐड कर देंगे. आप चाहो तो आइस वाटर भी ऐड कर सकते हो पर नीड नहीं है क्योंकि ठंड इतनी है तो ऑलरेडी आइस वाटर आ रहा है हमारी टैप से. तो बस अब इसे बिल्कुल पानी स्ट्रेन होने देंगे, उसके बाद किसी किचन टावल पे हम अच्छे से फैला देंगे. तो पानी ऑलमोस्ट स्ट्रेन हो गया है. अब हम इस तरीके से इसको किचन टावल लिया है मैंने और इसे फैला देंगे और बिल्कुल ड्राई होने देंगे, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए. देखिए कलर बहुत ही प्यारा है और अभी इसे बिल्कुल ठंडा भी होने देंगे और एकदम ड्राई. आप चाहो तो एक और किचन टावल इस तरीके से इस पे ऐड कर सकते हो बट मुझे नीड नहीं है, इसे मैं आराम से सूखने दूंगी, इतनी जल्दी नहीं है मुझे. अब इनका जो पानी है वो एकदम मतलब सूख गया है और अगर थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो हम इस तरीके से बड़े हल्के से हाथ से इसको इस तरीके से कर लेंगे क्लीन, ताकि जो पानी बचा है वो भी एकदम सही हो जाए. और फिर हम इस तरह का जिप्लॉक बैग लेंगे. आपने मेरे पहले भी ब्लॉग्स में आप देखे होंगे किचन टिप्स के वीडियोस में, मैं ये लास्ट 4 ईयर से यूज़ कर रही हूँ. 3 साइज के आते हैं, मैंने अमेजन से मंगाया है. अगर आपको लिंक चाहिएगा तो मैं ऑब्वियस दे दूंगी. ये रीयूजेबल है और बहुत ही यूजफुल हैं. ये मील प्लानिंग के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं. तो मैं इस तरीके में कर रही हूँ. अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप किसी भी कंटेनर में भी इसे स्टोर कर सकते हैं, ग्लास बोतल वगैरह में स्टोर कर सकते हैं, हो जाएगा. नथिंग टू वरी कि भाई जिपलॉक बैग नहीं है तो हम किस में करें या कर नहीं सकते. तो अब हम इसमें इसको अच्छे से डाल लेंगे. तो देखिए मैंने अच्छे से इसमें पैक कर दिया है. अब इसे अच्छे से इसे सील कर देंगे, मतलब जिपलॉक को अच्छे से, बिल्कुल एयर नहीं रहनी चाहिए. अगर रहती है तो भी आप इस तरीके से प्रेस करके और इसे निकाल लीजिए. ये 3 पोर्शन में मतलब 3 साइज में सॉरी आती हैं इस तरीके की ये जिप्लॉक बैग. तो आप इजीली जितने भी रखना चाहते हैं क्वांटिटी में वो रख सकते हैं. और अब इसे फ्रीजर में स्टोर कर देना है और पूरी साल बहुत ही इजीली ये स्टोर रहते हैं. तो इजी भी था, हेल्दी भी है और मतलब हमें पता है कि हमने किस तरीके से इसको प्रिजर्व किया है. एक्चुअली फ्लैश बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने उसका फ्लैश ऑफ किया है इसी वजह से.
तो बस गाइज आज यही शेयर करना था, होप सो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, टिल बाय, लव यू ऑल।